देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट 4.50 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में एक आ जा रहा है 28 मीटर डीप और 2.8 मीटर के डायमीटर का आपको अगर कुआं बनाना है तो इसके लिए कितनी मिट्टी खोदनी होगी। तो हमें देखिए मिट्टी का वॉल्यूम फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हम इस वेल का वॉल्यूम फाइंड कर लें तो वो वॉल्यूम इक्वल में हो जाएगा मिट्टी के वॉल्यूम के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें मिट्टी का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें मिट्टी का वॉल्यूम ही फाइंड करने के लिए देखिए कहा जा रहा है। तो और आगे देखिए इसके जो इनर सरफेस है इसमें प्लास्टर किया जाता है तो उसकी कॉस्ट फाइंड करके बतानी है और रेट दी गई है देखिए 4.50 पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं वन बाई वन। तो पहले तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, देखिए डायमीटर दिया गया है जो कि 2.8 मीटर है और तो इसकी रेडियस फिर कितनी हो जाएगी, 1.4 मीटर हो जाएगी। हाइट इसकी कितनी दी गई है, देखिए जो इसकी गहराई है डीप वही इसकी हाइट है 28 मीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम और कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है और कॉस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला देखिए होता है एरिया इंटू रेट। तो एरिया यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हटा देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए जो ये यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला है, पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो पाई की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 22/7 पुट कर देंगे और आर पे स्क्वायर लगा है तो आर को हम लोग क्या कर देंगे, देखिए आर दिया गया है यहाँ पर से 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर एक बार और लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और एच की वैल्यू 28 मीटर दी गई है। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 से 1.4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या कर देंगे 22 और 0.2 की मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पर, ये मैंने लिख लिया है। और देखिए मीट यहाँ पर 1.4 है मीटर और इंटू 28 मीटर इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 39.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4.4 और 39.2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 172.48 आ जाएगा। और देखिए एक जगह पर मीटर है और दूसरी जगह पर मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, मतलब 172.48 मीटर क्यूब मिट्टी खोदी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट के लिए हम लोग फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है सी एस ए इंटू रेट। तो चलिए सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे 2 तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1.4 मीटर और उसके बाद में एच जो कि 28 मीटर दिया गया है और इंटू में क्या कर लेंगे रेट लिखेंगे। देखिए रेट क्वेश्चन में दी गई है जो कि 4.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक इसे मैंने लिख लिया है। अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए जो नीचे ये 7 लिखा है इससे 1.4 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 0.2 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर ये मैंने 2 × 22 × 0.2 की मल्टीप्लाई कर ली है और मीटर लिख लें और यहाँ पर 28 ये भी तो बचा है इसे मैंने लिख लिया है यहाँ पर ये वाला 28। अब देखिए मीटर इंटू मीटर तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये मैंने लिख लिया है। अब इंटू में ये वाला पूरा टर्म लिख लेंगे ये मैंने लिख लिया। अब देखिए इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो नंबर यहाँ पर बचे हैं इनकी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो जब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1108.80 और तो ये भैया इतने रुपए आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है। तो देखिए अगर आपको 28 मीटर डीप और 2.8 मीटर के डायमीटर का अगर कुआं बनाना है तो कितनी मिट्टी खोदनी होगी, तो 172.48 मीटर क्यूब मिट्टी खोदनी होगी। तो ये इसका वॉल्यूम आ चुका है। अगर उसके इनर सरफेस एरिया पर प्लास्टर करना है इस रेट के अकॉर्डिंग तो उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, तो ये 1108.80 तो ये कॉस्ट लगेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।